नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता। तो जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो श्री पार्वती माता पिता की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। और आज का हमारा अध्याय है पाँचवें अध्याय का महात्म्य, तो जरूर सुने। आजकल वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं तो जरूर सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब पांचवें अध्याय का महात्म्य सुन। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया था, मछली मांस खाता था, मंदिरा पान करता और जुआ खेलता। बोलो श्री हरि, श्री हरि। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे धिक्कार कर त्याग दिया, घर से बाहर कर दिया, त्याग दिया, तो वह किसी और नगर में चला गया। देव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियाँ किया करता था। राजा के पास नौकरी करने लगा तो वहाँ भी उसे चुगली करने से फुर्सत नहीं थी। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियाँ करते करते वह धनवान हो गया। बोलो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री कृष्णा। तब उसने अपना विवाह कर लिया पर स्त्री वह चारणी आई। जैसा वह था वैसा ही उसकी स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे। जो भी ब्राह्मण बोलता था ये काम करना है तो वह हमेशा मना कर देती थी। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा तो वह कहे नहीं, ब्राह्मण कहे अंदर रहे तो वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वही वह जावे, भारता को जानन नहीं। वह कल्पा करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भार्या को विष दे दिया मतलब उस ब्राह्मण को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गीद का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया। बोलो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था। उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। बोलो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। तो जब गुरुजी किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाते थे तो मैं बीच में बोल पड़ता था। उन्होंने मुझे कई बार डांटा फिर भी मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा, तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम कहो किस कारण से तोती हुई। बोलो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री कृष्ण। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भार्या की आज्ञा नहीं मानती थी। भार्या ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भार्या को विष दे दिया, जहर दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। बोलो श्री हरि, श्री हरि, जय श्री कृष्णा। मैंने अपने भार्या को जहर से मार दिया तो मुझे बहुत बहुत नरक झेलना पड़ा। मुझे बड़े बड़े नरकों में मुझे गिराया। कई नरक भोकर अब मुझे तोते का जन्म मिला। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने भार्या को ही विष दिया। तू बहुत बुरी है कि जिसने अपने भार्या को ही जहर से मार दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। तब भी कह रही है तोती, ब्राह्मणी कह रही है कि नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं जब मैंने पाप किया है। अब तो मैं तुझे भार्या जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी तभी वह गीद आ गया जिसमें ब्राह्मण का शरीर था। तोती तो उस गीद ने पहचाना
कि यह तो वही मेरी भार्य है जिसने मुझे विष दिया था। वह गीत तोती को मारने चला। आगे तोती पीछे गीत, जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वह वहाँ एक साधु को दहा दिया गया था। साधु का दाह संस्कार हुआ था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी। तो साधु की खोपड़ी का थोड़ी हिस्सा था, उसमें पानी भरा हुआ था, बारिश का पानी जल के साथ भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गीद आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल साधु की खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वे आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अधम देह से छूटकर देह देही पाई। विमान आए तिन पर बैठकर बैकुंठ को गए दोनों के दोनों। तब तोती ने पूछा, हे गीद, ऐसा कौन पुण्य किया जो बैकुंठ को चले हैं हम लोग? बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। गीद ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीद तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था, मुझे अपने भाइयों ने देश से निकाल दिया था, अपने गांव शहर से निकाल दिया था। मैं दूसरे देश में जा बसा। वहां मैंने विवाह किया। दुराचारिणी स्त्री मिली। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण। तो मुझे दुराचारिणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई और मैं गीद हुआ। बोलो श्री हरि। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी, उसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी। देह देही पाई। विमानों पर चढ़कर हम दोनों को बैकुंठ को ले चले हैं। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। बोलो जय भगवान, जय श्री पार्वती माता पिता की जय हो। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। ये तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम बैकुंठवासी हुए हो और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता जी का पाठ करते हैं उनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं तब पार्षद दोनों को बैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के पांचवें अध्याय का महात्म्य है जो तुम्हें मैंने श्रवण कराया है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा। और सबकी सेवा करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। संतों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो और आनंद से ज़िंदगी जियो। किसी की चुगली नहीं करो, बुराई मत करो। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्णा।